अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ डायनासोर पार्क का पार्ट टू। सो ये जो है पार्क बहुत ही बड़ा है। सो मैंने जो है अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को एक पॉइंट दिखाया था जो सिर्फ एनिमल्स और डायनासोर्स का था। सो अब जो है हम जा रहे हैं पॉइंट टू की तरफ। सो ये है कि यहाँ पे जो है हम थक गए हैं काफ़ी, सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे इस एरिया को देखने के लिए। तो हमारा जो है अब ये वाला एरिया कवर हो के अब हम जा रहे हैं पॉइंट टू की तरफ। तो यहाँ पे जो है सारा इनकी खेती बाड़ी का है, पूरा इन्होंने जो ये काश्तकारी की हुई है पौधों की, दरख्तों की, ये सारा ये जो एरिया है वो इसी पर बनाया गया हुआ है। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वैसे अभी स्टार्ट हुआ है तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इधर। तो यहाँ पे जो है हम इंटर हो चुके हैं, ये इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये काफ़ी ये बता भी रहे हैं कि किस किस किस्म के ये प्लांट्स हैं और ये कितना पानी इसमें मांगते हैं, कौन कौन से इसमें जो है चीज़ें डलती हैं, वो सारा ये जो ड्राइवर है वो हमें बता रहा है। लेकिन ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत। एरिया को ये लोग ग्रीन पॉइंट के नाम से बोलते हैं, ग्रीन जोन। सो ये जो है सच में ग्रीन ही ग्रीनरी हुई हुई है यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स की। और यहाँ पे जो है ये देखे खजूरों और नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। सो ये जो है हमारा पॉइंट टू वो भी क्लियर हो गया, हमने पूरा देख लिया है ये वाला एरिया भी। और हम जो है अब निकल चुके हैं बाहर की तरफ, यानी कि ये जो पॉइंट वन और पॉइंट टू हमने देखने के बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा पार्क की तरफ। सो यहाँ पे जो है हम पहुँच चुके हैं बाहर की तरफ और अब जो है बच्चों ने कहा है कि हम बैठेंगे एलिफेंट के ऊपर। सो हम जो है पहले जाके देखते हैं वहाँ पर और कुछ खा पी भी लेंगे क्योंकि अभी जो है भूख भी लग रही है। सो यहाँ पर जो है एक कैफेटेरिया भी है और जो फूड जोन भी बनाया हुआ है, तो हम अब वहाँ पे जाएंगे। तो ये जो है हमारा पूरा एरिया हमने देख लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और बच्चों को भी। तो हम जो है अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि सिर्फ एलिफेंट के साथ हम तस्वीरें खिंचा सकते हैं, बैठ नहीं सकते क्योंकि अभी जो है इनका शो शुरू होने वाला है। सो हम जो है आगे की तरफ अभी जाते हैं। यहाँ आने के बाद हमने जो है खाना ऑर्डर कर लिया है और खाना खाने के बाद यहाँ का जो एरिया को कह रहे हैं कि चेयर्स को पीछे करेंगे क्योंकि शो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो है शो शुरू हो चुका है एलिफेंट का।
हाथी के साथ तस्वीरें खिंचानी है तो इसको देने होंगे आपने पैसे। सो ये जो है बिना पैसों के आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएगा। सो हमने जो है इसको और ब्लू वाले को पैसे दिए हैं 20-20 और बच्चों के और अपनी पिक्स के इसके साथ खिंचवाई हैं। और अब जो है इनका डांस शुरू होता है और हम जो है बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे जो है कार म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये देखें। अब जो है यहाँ का ये लास्ट एरिया था और हम लोग जो है अब थक भी गए और बाहर चलते हैं अब। सो यहाँ पे जो है हमें निकलते निकलते रात हो गई, यहाँ पे जो है 7:30 हो रहे हैं और हम पहुँच गए हैं KFC। ये जो है थाईलैंड में सिर्फ ये ही जो KFC है हलाल है, ना कि मैकडोनल्ड, सबवे, सब जो है हलाल नहीं वहाँ पे खाना मिलता सिवाय KFC। और हम जो है यहाँ पे पताया में 3 दिन से लगातार KFC खा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है हसन अब गाड़ी जो हमारी बाइक है वहाँ उससे सामान निकाल के हम जो है अंदर की तरफ जाते हैं और मैं आप लोगों को ये पूरा एरिया दिखाती हूँ जहाँ पे ये KFC और यहाँ का जो ये पार्किंग एरिया देखें कितना बड़ा है। और हम फिर अंदर जाएंगे और अपना खाना जो है ऑर्डर करते हैं, हमने क्या खाना है KFC से। और ये जो है खूबसूरत सी रेड बाइक, ये देखें कितना खूबसूरत लग रही है ना। तो हम जो है अब अंदर जाके ऑर्डर कर रहे हैं खाना और मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।